एन जो है रियल नंबर्स हैं रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर वो तमाम नंबर होते हैं जिनमें रेशनल और इेशनल नंबर आते हैं वो हम पढ़ चुके हैं अगर आप लोगों को इसकी रेशनल और इेशनल की समझ नहीं है हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं काइंडली हमारी प्ले लिस्ट में जाए और उसमें रैशनल और इेशनल नंबर वाला लेक्चर देखें ताकि ये समझना आसान रहे तमाम रेशनल और इन इेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर में इंक्लूड है उसके बाद एन किसको डिनोट करता है एन जो है यहां पे नंबर ऑफ एंट्रीज को डिनोट करता है किसी भी स्पेसिफिक कि अरेंजमेंट में जितने भी एंट्रीज होती हैं जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो एन की जो है वैल्यू वो डिनोट करती है अब यहां पे हम चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ए इसके एलिमेंट्स हैं वन थ्री अब यहां पे अगर मैं इसको छोड़ के पढ़ चुके हैं कि उसका क्या होता है, उसका क्या होता है। जब हम आ, किसी भी मैट्रिक्स में हम उसके साइज को या ऑर्डर को चेक करते हैं तो हम किस चीज को मेलनी चेक करते हैं उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज इसमें जो है वन एंड टू है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके एक ही इसका कॉलम है अब अगर मैंने वेक्टर को डिनोट करना है इस स्पेसिफिक वेक्टर को तो मैं कैसे डिनोट करूंगा कि ये वेक्टर है आर और आर में इसकी एन की कितनी वैल्यूज आएंगी वन एंड टू तो ये आर टू है ये क्या है हमारे पास आर टू अब ये आर टू जो है ये हमें ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, हमें ये बताती हैं कि दो एंट्रीज इसमें मौजूद हैं अब अगर हमारे पास एक वेक्टर यही है ए वन एंड थ्री अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास वैल्यू हमें दे रहा था आर टू इसका मतलब टू एंट्रीज थी तो ये फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है एक्स की एंट्री एक्स की वैल्यू और सेकेंड जो होती है ये वाई की वैल्यू होती है अब ये आर टू डिनोट कर रहा है इसका मतलब इसमें एक x की वैल्यू है और y की वैल्यू है अब जब x और y की वैल्यू होगी तो हम इसको जब ग्राफिकली इसको डिनोट करेंगे या ग्राफिकली जब हम इसको ग्राफ बना के शो करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस पे क्योंकि एक्स की वैल्यू और यह आएगी वाई एक्सिस पे अब जब ये वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ रही है इसका मतलब ये टू डी ग्राफ बन जाएगा जिसको हम टू डायमेंशनल बोल सकते हैं तो आर टू का मतलब है जो नंबर ऑफ एंट्रीज टू होंगी ये हमारा टू डी ग्राफ बनेगा टू डी ग्राफ बनेगा अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है इसमें भी एक कॉलम है जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता था हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते थे अब हम वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो वेक्टर्स में जब एक कॉलम वाला वेक्टर होगा तो हम उसको कॉलम मैट्रिक जो है तो जब हमारे पास वेक्टर्स में हमारे पास एक कॉलम होगा हम उसको कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं ये है हमारा कॉलम वेक्टर ये भी हमारा कॉलम वेक्टर है ये एक्स वाई की सूरत में हमारे पास कॉलम वेक्टर है इसके अलावा अगर मेरे पास यहाँ पे आर थ्री वाला कोई वेक्टर आ जाए सपोज ए है इसकी वैल्यूज़ हैं ये होगा होगा, हमारा थ्री या थ्री हमारा या जो वेक्टर होगा। इसमें तीन इंट्रीज हैं, तो हमारे पास इसका मतलब ये आर थ्री आएगा थ्री इसमें नंबर ऑफ थ्री एंट्रीज को डिनोट करेगा आर यहाँ पे रियल नंबर्स को डिनोट करेगा इसका मतलब अगर मैं यहां पे कोई एग्जांपल लिखूं बी थ्री फोर एंड फाइव तो b बी एक फोर एंड फाइव हमें क्या बताता है कि ये x की वैल्यू है ये y की है और ये z की वैल्यू है थ्री डायमेंशनल कैसे आ गया अब ये इसमें x एक्सिस पे ये वैल्यू आएगी y पे फोर और z पे फाइव तो ये थ्री डायमेंशनल ग्राफ कहलाएगा इसको ग्राफ बना के शो किया जाता है ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया है ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है शीज़. ये पॉइंट जीरो आ गया वन टू थ्री वन टू थ्री नेगेटिव वन नेगेटिव टू एंड नेगेटिव थ्री नेगेटिव वन नेगेटिव टू एंड नेगेटिव थ्री ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस आ गए अब यहां पे हमारे पास वैल्यू है एक्स की क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास है वन इसको मैं डिनोट कर दूंगा यहां पर यह है एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू x की वैल्यू वन रखने पे थ्री है वन टू एंड थ्री ये मेरे पास आ जाएगा यहां y की वैल्यू है यहां पे थ्री ये आ जाएगा यहां पे पॉइंट आ जाएगा थ्री इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू वन और y की वैल्यू थ्री होने पे इसको मैं इसके साथ मिलाऊं तो ये मेरा पास एक वेक्टर बन जाता है a जो के x की वैल्यू वन पे y की वैल्यू जो है थ्री है ये हम अब इसको देखें तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ये हमारे टू डायमेंशनल ग्राफ है इसलिए हम इसको आर की एंट्रीज जो होती हैं ये हमारा जो एक्सिस को भी डिनोट करता है देखते हैं जी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसकी एंट्रीज हैं थ्री एंड फाइव वेक्टर बी है हमारे पास टू एंड सिक्स वेक्टर ए जो है ये हमारे पास आर की वैल्यू टू आ गई जो है थ्री एंड फाइव वेक्टर बी भी हमारे पास इसी तरीके से वेक्टर बी भी हमारे पास आ गए ये भी आर टू है इसकी एंट्रीज है टू एंड सिक्स हम किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं प्लस की सारी एंट्रीज हैं तो प्लस वाला ग्राफ थोड़ा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब ये ग्राफ में ये हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं और ये वाई एक्सिस की वैल्यू है इसका मतलब ए की वैल्यू है हमारे पास थ्री और फाइव इसका मतलब एक्स थ्री है ये हमारे पास थ्री आ गया और वाई हमारा फाइव है वाई है ये इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं इसको नीचे से ऊपर कर लेते हैं तो ये पॉइंट बन जाता है और अगर मैं इसको इसके ओरिजिन के साथ में तो ये मेरे पास एक वेक्टर बन जाता है जो है वेक्टर ए इसके बाद वेक्टर बी क्या है हमारे पास टू एंड सिक्स टू पे वैल्यू है ए एक की एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू है सिक्स अगर मैं इसको डिनोट करूं तो यहां पे मेरा बन जाएगा पॉइंट अगर मैं इसको इसके साथ मिलाऊं तो ये बन गया है टू एंड सिक्स और ये है वेक्टर बी टू एंड सिक्स अब इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे अब मैं इनको प्लस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है ए प्लस बी करने से थ्री फाइव प्लस टू सिक्स क्योंकि वेक्टर जैसे हम मैट्रिसिस uh, को ऐड करते हैं उसी तरीके से करेंगे कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को प्लस करते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करने से मेरे पास आता है थ्री में टू प्लस किए फाइव सिक्स में फाइव प्लस किए इलेवन इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू आएगी ये सिक्स तक है सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन और यहां पे आ जाएगी, X की वैल्यू चूंकि ही चाहिए तो ये हमारे पास फाइव है और ये हमारे पास इलेवन है इसको यहाँ पे खींच लेंगे ये फाइव है लाइन थोड़ी टेढ़ी चलेगी खैर ये आ गया हमारा फाइव इसको अगर मैं से मिला रहा हूं तो ये यहाँ पे बन गया ये हमारा ए प्लस बी वैक्टर है और इसको अगर मैं इसके साथ मिला दूं और इसको इसके साथ मिला दूं तो अब ये कुछ इस तरीके से शेप बन गई है ये शेप बन गई है तो ये जो रेक्टेंगुलर की शेप है और थोड़ी टिल्टेड है जो टिल्टेड शेप हो उसको बोलते हैं पैरालीलोग्राम पैरालीलोग्राम आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ ली होगी यह जो पैरालीलोग्राम है यह दो वेक्टर्स को ऐड करने से यह पैरालीलोग्राम की शेप बन रही है तो ये जो इस तरीके से जो वेक्टर्स को अप करने का जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रूल ऑफ पैरालीलोग्राम फॉर एडिशन रूल ऑफ पेरा फॉर एडिशन इस तरीके से दो वेक्टर्स जो हैं उनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसके जो वर्टिस को हम अगर दूसरे वेक्टर से मिलाएं तो हमारा ये फोर्थ वर्टेक्स बनता है वन टू

रूल फॉर एडिशन फॉर पैला ग्राम को चेक किया है कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें अल्लाह ने के बाद